नीट एग्जाम मामले से धांधली से जुड़ी हुई है। नीट 2024 पेपर लीक का जो मुद्दा है ये संसद में भी खूब छाया रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेते हुए इस मामले को भी उठाया। वहीं नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। पूरे इस घटनाकांड में जिस मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का नाम सामने आ रहा है उसके काले साम्राज्य को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये कि संजीव मुखिया किसी फॉर्म की तरह पेपर लिखकर पूरा नेटवर्क चलाता था। ये पेपर लीक का पूरा नेटवर्क संजीव मुखिया के इशारे पर चलता है और इसके कई राज्यों में अच्छी खासी पैठ है। हालांकि पेपर लीक का मुख्य सरगना संजीव मुखिया अभी भी सीबीआई की पहुंच से दूर है। ये पूरा पेपर लीक का नेक्सस उसे संजीव मुखिया प्राइवेट कंपनी की तरह चलाता था जिसमें 30 से ज्यादा लड़कों को सैलरी पर रखा हुआ था। संजीव मुखिया देश के किसी भी कोने में हो सकता है। वो अक्सर नेपाल भी जाता रहता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य कई राज्यों में संजीव मुखिया के अपने कॉन्टैक्ट हैं। सीबीआई की टीम फिलहाल 6 राज्यों में इसकी जांच कर रही है। 6 अलग अलग राज्यों के कनेक्शन सामने आ रहे हैं लेकिन जैसा अब तक की जांच कह रही है संजीव मुखिया इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। क्योंकि संजीव मुखिया को लेकर दावा यह किया गया था कि मुख्यमंत्री आवास तक उसकी पूरी पहुंच है। बिना किसी इजाजत के संजीव मुखिया सीधे मुख्यमंत्री आवास में घुस जाता है। अब ऐसे में बड़ी खबर एक और मिल रही है, पटना से बड़ी खबर है। नीट पेपर लीक से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जाने। सॉल्वर सरगना संजीव मुखिया की तलाश में सीबीआई जगह जगह तलाश कर रही है। देश के कई शहरों में सीबीआई की दबिश सामने आ रही है। नेपाल के अलावा अन्य देशों में भी पनाह ले सकता है संजीव मुखिया। अलग अलग देशों के घूमने के लिए वो जाता रहता था, अक्सर नेपाल भी आने जाने की उसकी खबर है। पटना में रिमांड पर लिए गए आरोपियों से जानकारी कुछ ऐसी हाथ लगी है जिसके आधार पर सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है। साथ ही साथ बड़ी बात यह भी कि सीबीआई अब एनटीए के कई अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। जो आरोपी अब तक पकड़े गए हैं संजीव मुखिया को लेकर उनसे जानकारी निकालने की कोशिश, संजीव मुखिया जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सरगना कहा जा रहा है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी की तरह इस पूरे पेपर लीक कांड को चलाता था, लड़कों को रखा हुआ था, सैलरी दी जाती थी और ये पेपर लीक का मुख्य सरगना जो अभी फिलहाल फरार है उसे ढूंढा जा रहा है, बात की जा रही है और आरोपियों से पूछा जा रहा है कि आखिर संजीव मुखिया कहां हो सकता है। सीबीआई जब 6 राज्यों में इसकी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 6 राज्यों के कनेक्शन मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है, सवाल बहुत से पूछे जा रहे हैं। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने तो एनटीए के ऑफिस पर जाकर धावा भी बोला, वहां प्रदर्शन किया। एनएसयूआई प्रेसिडेंट हैं वरुण चौधरी, उनसे बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता आरजू सेठ ने। आज इंडिया लाइंस की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें तमाम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनएसयूआई के प्रेसिडेंट वरुण चौधरी जी मौजूद हैं। वरुण जी, क्या कुछ आज फैसले लिए गए, क्या कुछ डिमांड्स हैं जो आप लोग कर रहे हैं? हमने मुख्य तौर पर 3 मांगे रखी हैं। इमीडिएटली पहले तो जो नीट का एग्जाम है वो दोबारा कराया जाए, रीनीट की मांग करते हैं। ऑलरेडी 1 महीने का समय खराब कर चुके हैं एचआरडी मिनिस्टर एनटीए जांच का बहाना लेकर। अब जांच का कुछ बचा नहीं है, सीबीआई ने ऑलरेडी गिरफ्तारियां कर चुकी हैं, पता लग चुका है कि ये पेपर कॉम्प्रोमाइज था, तो इमीडिएटली रीनीट करा जाए, साथ के साथ एनटीए को बैन करा जाए। जिस एनटीए पर इतने बड़े पेपरों की धांधली का आरोप लग चुका है, तमाम नेट का पेपर कराने में सक्षम नहीं है, एक छोटा एग्जाम कराने में सक्षम नहीं है, तो इमीडिएटली एनटीए को बैन करा जाए। वो खास तौर पर जो देश के शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश को गुमराह करने की बात करी गई कि नीट के पेपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, वो इमीडिएटली एचआरडी मिनिस्टर देश के रिजाइन करें। वही हम देख रहे थे कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन अब एक साथ एक बड़े स्तर पर साथ में आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ प्रोटेस्ट होने वाला है? हमने कल देश भर में कॉल दिया है कि देश भर में हमारे जो तमाम छात्र संगठन है इंडिया ब्लॉक के वो मिलकर देश भर में कल प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के अंदर हम जनता मंदिर पर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन पूरे देश में कल हम प्रदर्शन करेंगे लोग मिलकर। हमें लगता है जो करोड़ों छात्रों की बात है तो उसमें राजनीति करने से ज़्यादा बेटर है कि हम लोग इकट्ठे हों और छात्रों की न्याय की बात करें। हमें उम्मीद थी कि संसद सत्र शुरू होने से पहले धर्मेंद्र प्रधान जी की और नरेंद्र मोदी जी की नींद खुलेगी और नीट के छात्रों की बात करेंगे। अभी तक प्रधानमंत्री जी के मुंह से नीट शब्द नहीं निकला है, तो हमारी उनसे अभी भी अपील है कि कल आखिरी दिन है संसद सत्र का, उसको खत्म होने से पहले नीट के छात्रों को न्याय दें।
वही 1,563 स्टूडेंट्स जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनका रीनीट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है। देखा गया है कि उसमें से 750 बच्चे जो है वो एब्सेंट रहे, कहीं ना कहीं बच्चों में भी अंडर कॉन्फिडेंस वो हो गए हैं, एक भरोसा खोया है। ये बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले कही थी कि देश की जो शिक्षा नीति है और देश का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है और देश की जो पूरा जो एनटीए की प्रणाली है, छात्रों का इससे विश्वास उठ चुका है। इस विश्वास को दोबारा बनाने के लिए, जिससे छात्र शिक्षा में और रुचि लें, आपने देखा होगा किस तरीके से अग्निपथ स्कीम आने के बाद लोग ने देश की फौज में जाना कम कर दिया है। इस तरीके से मुझे डर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले साल नीट के छात्र भी 24 लाख से कहीं 1 लाख ना रह जाएं। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमारी यही मुख्य तौर पर 3 मांगे हैं कि इमीडिएटली रीनीट करा जाए और एनटीए को बैन करा जाए। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, आप लोग एनटीए भी गए थे तो क्या प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है? हम एनटीए गए, मुझे लगा नया डायरेक्टर बने हैं, 2 दिन हुए हैं, डायरेक्टर को मिलके उनके भी कान खोलते हैं कि भैया आप नए डायरेक्टर बने हैं, इमीडिएटली रीनीट करा जाए अगर आप चाहते हैं कि संस्था पे कुछ थोड़ा सी लोगों का विश्वास बना रहे। हमारे जाते ही वहाँ जो डायरेक्टर तो हमें नहीं मिले, लेकिन कुछ जो एनटीए के अधिकारी थे वो वहाँ से भाग छूटे। जैसे चोर भागता है उस तरीके से एनटीए के दफ्तर से अधिकारी भागे। उसके बाद हमने कहा जब अधिकारी भाग गए तो हमने वहाँ ताला लगा दिया कि एनटीए को बैन कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए। उसके बाद सरकार ने डर कर हमारे ऊपर नॉन बिलेबल ऑफेंसेस पे बड़ी बड़ी एफआईआरें करी। मुझे बार बार पुलिस की तरफ से फ़ोन भी आता है कि आप ये करिए वो करिए, छात्रों पर फ़ोन जाता है, जो छात्र हमसे मिले थे उनके पेरेंट्स को फ़ोन जाता है कि अगर आपके छात्र इस आंदोलन में आए या धरने पर बैठे तो उनके ऊपर भी हम एफआईआर कर देंगे। डराने का माहौल की कोशिश करिए, हमारी आवाज़ को, देश के छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। हम डरेंगे नहीं, हमारी हम देश के छात्रों की आवाज़ उठाते रहेंगे। आप गोली मारो, डंडे चलाओ, एफआईआर करो, हम डरने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नीट का मुद्दा जो है वो जोरों से उठाया जा रहा है और कल भी 3 जुलाई को हम देखेंगे किस तरीके से बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। NSUI हमलावर है, विपक्ष की बाकी पार्टियां हमलावर है, कांग्रेस की तरफ से बार बार ये मुद्दा उठाया भी जाता रहा। पहले भाषण में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने जब सरकार को घेरने के लिए तमाम बातें कही, उसके बाद नीट का एग्जाम का जो मुद्दा था यानी कि जो धांधली की बात थी वो भी राहुल गांधी ने सदन के भीतर उठाई और उस पर सरकार से सवाल भी पूछा। हो सकता है आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो नीट पेपर लीक मामले में जो भी अभी तक की जानकारियां हैं उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का पक्ष अपना सामने रखें। नीट के कितने गुनहगार हैं ये धीरे धीरे CBI की जांच में साफ हो जाएगा। EOU ऑलरेडी जांच कर रही थी और CBI अब इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। जावेद मेरे साथ जुड़ गए हैं, जावेद हुसैन दिल्ली से, और साथ ही साथ रितेश मिश्रा पटना से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जावेद, जिस तरीके से अभी तक की CBI की जांच चल रही है, अब संजीव मुखिया अगर मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आ रहा है और जानकारी ऐसी भी कि एक प्राइवेट कंपनी की तरह पेपर में धांधली का काम वो करता था, बाकायदा सैलरी उन लड़कों को देता था, यानी कि बहुत कैपेबल था, इस धांधली को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था, जानता था कि पेपर लीक भी कर लूंगा, सर्कुलेट भी कर दूंगा और मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा कोई। जी देखिए, जिस तरीके से संजीव मुखिया का इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जब EOU के जांच में जब नाम सामने आया, हालांकि अब ये मामला केंद्रीय एजेंसी CBI पूरे मामले की जांच कर रही है, संजीव मुखिया के कई लोग ऐसे थे जो दूसरे स्टेट में इंटर जो लॉक सिस्टम होता है पेपर का उसके लिए बाय फ्लाइट भी जाते थे, ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के एक ज़िले में जहां पर एक सरकारी एग्ज़ाम जो बिहार में कंडक्ट होता है उस एग्ज़ाम का जहां पे पेपर प्रिंट हो रहा था संजीव मुखिया की, वहां तक एंट्री थी। अब अपने सोचने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है कि एक मामूली सा इंसान संजीव मुखिया उसकी एंट्री आखिर वहां उस पेपर तक कैसे है। हाँ। जो सरकार कंडक्ट करा रही, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो एग्ज़ाम हो रहा है, पेपर हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट के लिए का एग्जाम हो रहा है, वहां पर एक संजीव मुखिया नाम का शख्स कैसे पहुंच जाता है, वो भी बिहार छोड़कर वेस्ट बंगाल के उस प्रिंटिंग प्रेस में जहां पे वो क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला होता है नीट जैसे और दूसरे स्टेट के जो एग्जाम के पेपर्स होते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होते हैं और बहुत ही सिक्योरिटी में उन पेपर को रखा जाता है। CBI का जो मेन सेंटर है वो पटना बना हुआ है, क्योंकि पटना और बिहार और झारखंड दो स्टेट इससे कनेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जो एक पूरा कनेक्टिविटी है बिहार और झारखंड का, इसमें कई लोग अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ लोगों के नाम और सामने हैं जो CBI के इस वक्त रडार में हैं।
सीबीआई की टीम संजीव मुखिया और रॉकी के लिए उनकी टीम जो है वो नेपाल भी जा चुकी है। इसके अलावा प्रॉक्सी कैंडिडेट का मामला जो गुजरात और राजस्थान की है, तो वहां पर भी गुजरात में भी अंदाजा लगाया जा सकता है या फिर समझा जा सकता है कि संजीव मुखिया अकेला नहीं, पूरे लड़कों का ग्रुप उसके साथ में, 30 ऐसे लड़के जो उसने रखे हुए थे सैलरी पर। रितेश, जब संजीव मुखिया, जैसा कि विपक्ष भी दावा कर रहा था कि मुख्यमंत्री आवास में यूं ही चला जाता है बिना किसी परमिशन या बिना किसी अपॉइंटमेंट के, ऐसी पकड़ है उसकी और या फिर ऐसी पहुंच है, ऐसी करीबी है, संजीव मुखिया अगर इसमें इन्वॉल्व है तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के भी इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है? और संजीव मुखिया लापता है तो तलाश कहाँ कहाँ हो रही है, कहाँ कहाँ संभावना है कि हो सकता है? बिल्कुल, सबसे पहले आपके पहले सवाल का मैं जवाब देता हूं कि मुख्यमंत्री आवास तक जो पहुंच की बात हो रही है तो ये सिर्फ पॉलिटिकल है, क्योंकि अक्सर होली दिवाली में मुख्यमंत्री का जो दरवाजा है वो खुला रहता है और कोई भी व्यक्ति जाता है मुख्यमंत्री से, वो मिलता है, फोटो खिंचवाता है, तो इस पर जो है विपक्ष को एक राजनीति करने का मौका मिल गया। तो जाहिर सी बात है कि अपनी राजनीतिक उसकी महत्वाकांक्षा है और संजीव मुखिया के बारे में जो जानकारी इंडिया न्यूज को मिली है वो काफी लो प्रोफाइल रहने वाले में जुड़ी हुई है, ये आपस में कोऑर्डिनेटेड है। अगर कहीं फंस रहा है तो कोई नेता मदद करेगा, अगर कहीं फंसा कोई ब्यूरोक्रेट मदद करेगा। इसके अलावा अभी जावेद ने जो बात कही कि फ्लाइट्स के टिकट बुक किए जाते हैं, तो ये बड़ी ही स्पष्ट जानकारी है, बहुत ही अच्छा खासा जो रकम होती है वो लड़कों को दी जाती है और यही कारण है कि वो इतने बड़े नेक्सस को चला रहा है उनके साथ, स्कूल के साथ या ड्राइवर के साथ या बाकी लोगों के साथ में कनेक्टेड इसलिए रहा क्योंकि वो जानता था इस तरह की धांधली करने के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक हर तरह के शख्स की जरूरत उसे पड़ेगी। अब चारों तरफ से सवाल नीट एग्जाम को लेकर, उसकी धांधली को लेकर हो रहे हैं। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो तो गुस्से से एनटीए के ऑफिस पर पहुंच गए। एआईएसएफ प्रेसिडेंट विराज देवांग क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर, सुनिए। के लिए एआईएसएफ के नेशनल प्रेसिडेंट विराज मौजूद हैं। विराज, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत जो है वो आप सबने मिलकर की है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन एक साथ आने का क्या कुछ मकसद है? देखिए, आज इंडिया ब्लॉक के जितने भी छात्र संगठन हैं, जितने भी प्रोग्रेसिव विचारधारा के छात्र संगठन हैं, उनके तरफ से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, और यहाँ पे एक ही मुद्दा है कि जिस तरीके से नीट का जो घोटाला है वो इस देश में हुआ है, जिस तरीके की धांधली एनटीए के माध्यम से यहाँ पे की जा रही है, उसको एक्सपोज करने के लिए आज हम सभी छात्र संगठन इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और इस जगह पे हम लोगों ने कुछ रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किए हैं, कुछ डिसीजंस यहाँ पे हम लोगों ने लिए हैं। पहला मुद्दा ये है कि हम लोग यहाँ पे डिमांड करते हैं कि एनटीए के ऊपर बैन इस देश में किया जाना चाहिए, ये हमारा पहली डिमांड है। दूसरी बात यह है, हम लोग ये चाहते हैं कि नीट का जो है ये यहाँ पे री एग्जामिनेशन होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे री एग्जामिनेशन की डिमांड करते करते हम लोग यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि री एग्जामिनेशन नीट का इमीडिएट रिलीफ देने के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर भी नीट को हमारा प्रिंसिपल अपोजिशन जो है अभी कायम है, क्योंकि इस देश का जो बड़ा छात्र है, जो छात्र यहाँ पे रूरल बैकग्राउंड से आता है, मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आता है, उन सबके साथ नीट जस्टिस नहीं कर पाता है। बहुत से ऐसा तबका है जो स्टूडेंट्स का जो नीट की वजह से मेडिकल एजुकेशन के बाहर रहता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जिस तरीके से तामिलनाडु गवर्नमेंट जस्टिस ए के राजन कमेटी, कहीं पहले ये डिमांड की जा रही थी सीबीआई इंक्वायरी की और वही गवर्नमेंट ने करवाई भी है, तो क्या लगता है कि अभी जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, तो कहीं ना कहीं आपसी सहमति से बात करनी चाहिए या फिर प्रोटेस्ट की ओर बढ़ना चाहिए? देखिए, मुद्दा ये है कि एक बात कही जाती है कि अगर सड़कें सुनसान हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, तो अगर इस देश का छात्र प्रोटेस्ट नहीं करता है तो हमें ये बात का यकीन है कि इस देश का जो सरकार है इस मुद्दे पे कभी ध्यान नहीं देगा। एनटीए का जो धांधली है चलती रहेगी। यहाँ पे बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि एनटीए के माध्यम से यह पहली धांधली नहीं है, पिछले 2021 से लेके अलग अलग एग्जामिनेशंस में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई है, एलिगेशंस हुए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इस तरीके से जितना खुले तरीके से इस बार धांधली की गई, जितना खुले एक ही सेंटर्स के स्टूडेंट्स को, 6-6 स्टूडेंट्स को, एक ही सीरियल नंबर के स्टूडेंट्स को 720 मार्क्स दिए गए, इस तरीके का जो स्कैम किया गया है इसकी वजह से एक्सपोज हो पाया है। एनटीए के माध्यम से इससे पहले भी गफले किए गए हैं, इसके आगे भी किए जाएंगे, इसलिए छात्रों का जो है प्रदर्शन जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए कल संसद के बाहर, कल आखिरी दिन हमारा सेशन का है, पार्लियामेंट सेशन का है, तो संसद के बाहर सभी छात्र संगठन मिलकर इस सरकार से हम लोग सवाल पूछेंगे और प्रोटेस्ट के जरिए अपने सवाल उठाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तमाम सवाल हैं जो सरकार से पूछे जाएंगे, और इसी प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नीट में कई सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिली है और एनटीए द्वारा पिछले कई सालों में पेपर को लेकर कई सारी धांधली जो है वो सामने आई है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ में आरजू सेठ, इंडिया न्यूज दिल्ली। हो सकता है ऑपोजिशन जो पार्टी है वो राजनीति के लिए सब कर रही हो, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो रात दिन एक करके इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या फिर अभी फ्यूचर में एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनका गुस्सा सबसे ज्यादा जायज है और सवाल इसीलिए जायज हैं, और हम भी सवाल लगातार सरकार से पूछ रहे हैं, उठा रहे हैं, ताकि इंसाफ इन 24 लाख स्टूडेंट्स को मिल सके। साथ ही साथ मेरे सहयोगी मेरे साथ में जावेद हुसैन और रितेश मिश्रा जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे